नंबर वन, इस मुल्क के अंदर एक फ्लावर पाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और वो इसी ही मुल्क में पाया जाता है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये किसी इंसान के ज़रिए नहीं उगाया जाता, ना इसे बीज डाला जाता है, ये बल्कि खुद पता नहीं किस तरीके से बट उग जाता है, जो कि साइज में भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अगर बात करें इसके नाम के बारे में तो इसका जो नाम है वो है रफलीसा फ्लावर। फैक्ट नंबर टू, अगर आपको थोड़ी बहुत सांप के बारे में नॉलेज है या फिर आप वैसे ही सांप को टेलीविज़न में देखते हैं तो आपको कोबरा का तो ज़रूर पता होगा। कोबरा एक ऐसा सांप है या फिर एक कोबरा जो नाम है तकरीबन हर सांप के साथ यूज किया जाता है। अगर बात करें सांप के बारे में तो कंट्री मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर ये बहुत ही ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और अगर किसी को चाहिए तो यहां से आकर ले ले। फैक्ट नंबर थ्री, मलेशिया के अंदर एक फ्रूट पाया जाता है जो कि दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट माना जाता है, और अगर बात करें इसकी खुशबू की तो इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप 10 किलोमीटर दूर ठहरे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्मेल जो आ रही है वो फ्रूट की आ रही है। अगर उसके नाम के बारे में बात करें तो उसका नाम है डोरियन फ्रूट। फैक्ट नंबर फोर, यहाँ पे बंदर पाए जाते हैं, यानी एक उनकी अलग नस्ल पाई जाती है जिसे बेसिकली ओरंगोटान के नाम से जाना जाता है, जो हैं तो बेसिकली बंदर, लेकिन ये बंदर से थोड़े हटके होते हैं। इनका जो मुंह होता है वो फ्रंट ब्लैक होता है, और ये बंदर की तरह शरारती नहीं होते बल्कि आराम से बैठने वाले होते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, इस मुल्क का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये कि इस मुल्क के अंदर बारिशें बहुत ही ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक सर्वे के मुताबिक साल के 247 से 250 यानी 250 दिन यहाँ पे बारिश होती रहती है। फैक्ट नंबर सिक्स, इस मुल्क का एक बहुत ही ज़्यादा अजीब फैक्ट आपको बता दूं कि यहाँ पर नंबर 4 या फिर नंबर 44 को अनलकी समझा जाता है, यानी यहाँ पे इस चीज़ को बुरा माना जाता है अगर किसी का नंबर 4 या 44 हो, ताकि अगर आप एक बिल्डिंग के एलिवेटर पर चढ़ते हैं वहाँ भी आपको फोर्थ फ्लोर नहीं मिलेगा, यानी या फिर 3A होगा या फिर 5B होगा, इस लिहाज से नेम दिया गया होगा। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. फैक्ट नंबर सेवन, अगर बात करें ड्रग्स की सेल और परचेज के बारे में तो मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जिसने इस चीज़ पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। आप मलेशिया में रहते हुए किसी भी सूरत में ड्रग सेल और परचेज नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा भी पुलिस को पता चल जाता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, आपको इसके बदल में बहुत सख्त सज़ा मिल सकती है और 99% आपको मार दिया जाता है मौके पर। फैक्ट नंबर 8, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कंट्री मलेशिया का वो ये कि यहाँ पे जो हाईवे है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे है, क्योंकि अगर इसका हम टोटल एरिया देखें तो ये 65,870 किलोमीटर लंबी हाईवे है जो कि बहुत सारे शहरों के ऊपर से होकर गुजरती है। फैक्ट नंबर 9, जहाँ बात हो रही है दूसरे अच्छे बुरे फैक्ट के बारे में, वहाँ बात करते हैं यहाँ के कौमी खेल के बारे में। अगर बात करें मलेशिया के नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में तो वो है सेप ककरा, बेसिकली ये रग्बी की तरह है। फैक्ट नंबर 10, अगर बात करें इसके नेशनल एनिमल के बारे में, इनके कौमी जानवर के बारे में, तो वो यहाँ का मलेशियन टाइगर है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.
With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins.